अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान ज़ैन बाबू आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। इस टाइम मौजूद हूँ ग्रेटर इकबाल पार्क में, जहाँ पर पाकिस्तान की 76वीं सालगिरह के लिए बहुत ज्यादा अच्छा इंतजाम किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि आसमान पर इस टाइम आतिशबाजी का सिलसिला जारी हो चुका है। पाकिस्तान में इस टाइम जबरदस्त किस्म की आतिशबाजी का सिलसिला जो है वो जारी है और अवाम इस टाइम पाकिस्तान की 76वीं सालगिरह पर काफी पुरजोश दिखाई दे रही है और साथ ही साथ यहाँ पर अवाम का एक समंदर जो है वो उमड़ आया है, जिसको यहाँ पर फ्लाईओवर के ऊपर तो नहीं आने दिया गया, लेकिन फ्लाईओवर के नीचे इस टाइम अवाम का एक हजूम है जो, और साथ ही साथ अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो फ्लाईओवर के ऊपर बिल्कुल जैसे कि पिछले साल की तरह यहाँ पर अवाम को नहीं आने दिया गया, बल्कि अवाम को यहाँ से मना किया गया है। और ये इस टाइम चेक कर सकते हैं कि ग्रेटर इकबाल पार्क में पाकिस्तान की 76वीं सालगिरह के मौके पर बहुत ज़्यादा अच्छी और खूबसूरत किस्म की फुलझड़ियाँ, अनार और साथ ही साथ आतिशबाजी का सिलसिला जो है वो जारी हो चुका है और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का सिलसिला जो है वो जारी हो चुका है। अवाम इस टाइम बहुत ज़्यादा पुरजोश नज़र आ रही है और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो ये मीनारे पाकिस्तान के बिल्कुल साए के नीचे इस टाइम सारा एहतमाम किया गया है और ज़बरदस्त किस्म की जो आतिशबाजी है उसका सिलसिला जारी हो चुका है। जैसे ही 12 बजे का टाइम क्रॉस किया तो साथ ही ग्रेटर इकबाल पार्क में आतिशबाजी का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है और साथ ही साथ अवाम के लहू को गरमाने के लिए तराने जो है वो लगाए गए हैं और आप चेक कर सकते हैं कि किस कदर खूबसूरती के साथ आतिशबाजी का सिलसिला जो है वो जारी है और आतिशबाजी के सिलसिले को जारी और सारी रखे हुए हैं। मैं आपको फिर एक दफ़ा बताता चलूं कि पिछले साल की तरह फ्लाईओवर के ऊपर अवाम को आने दिया गया था, लेकिन इस दफ़ा अवाम को नहीं आने दिया गया और बहुत ज़्यादा खूबसूरत और इस टाइम आसमान पर एक बड़ा खुशगवार सा समा बन गया है। ये इस टाइम आप आतिशबाजी देख सकते हैं, उर्दू पॉइंट की स्क्रीन पर आपको मनाजर दिखाए जा रहे हैं कि किस तरीके से यादगार जो कि मीनारे पाकिस्तान जिसको कहा जाता है उसके ऊपर से भी आतिशबाजी का सिलसिला जारी है, साइडों से भी और उसके साए में भी आतिशबाजी का सिलसिला जो है वो जारी और सारी है। तराने लगाए गए हैं, साथ ही साथ बड़ा ज़बरदस्त किस्म का 76वीं सालगिरह के लिए आतिशबाजी का सिलसिला जो है वो जारी है और इस टाइम आप देख सकते हैं कि क्या समा बंधा हुआ है। ये फिजा है इस टाइम ग्रेटर इकबाल पार्क के बिल्कुल ऊपर और ग्रेटर इकबाल पार्क के बिल्कुल मैदान में बड़ा खूबसूरती से आतिशबाजी का सिलसिला जो है वो जारी हो चुका है और साथ ही साथ यहाँ पर दूर दराज से देखने के लिए जो लोग आए हैं उनको इस दफ़ा फ्लाईओवर के ऊपर नहीं आने दिया गया, बल्कि नीचे ही खड़े रहकर महसूस होने का कहा गया है और आप देख सकते हैं उर्दू पॉइंट की स्क्रीन से बड़ा खुशगवार नज़ारा है और अल्लाह पाक मेरे पाकिस्तान को हमेशा इसी तरह खुश व खुर्म रखे, कामयाबियों की तरह कामयाबियों से नवाजता रहे और इसी तरह मेरे पाकिस्तान पर हर बार हमेशा अल्लाह पाक अपनी ख़ास रहमत करता रहे। और जिस तरीके से इस टाइम ये फुलझड़ियाँ और जिस तरीके से ये अनार या जिस तरीके से ये शुरलियाँ चलाई जा रही हैं और रोशनी हो रही है, अल्लाह पाक मेरे पाकिस्तान पर इसी तरीके से अपने हर तरीके से रहमत जो है वो फरमाता रहे। और जिस खूबसूरती से इस टाइम 76वीं सालगिरह का इस्तकबाल किया जा रहा है और 76वें साल को मनाया जा रहा है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस कदर खूबसूरती के साथ इस टाइम आतिशबाजी का जो सिलसिला है वो जारी है और साथ ही साथ दूसरी साइड पर अपने जितने भी यहाँ पर लोग आए हुए हैं उनका लहू गरमाने के लिए, उनको महसूस करने के लिए बड़ी खूबसूरती के साथ बड़ा ज़बरदस्त तरीके के साथ उनको तराने भी लगा के दिए जा चुके हैं। और आप चेक कर सकते हैं, अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आतिशबाजी का सिलसिला जो है वह जारी है और इस टाइम तमाम तर फजा धुएं के साथ जो है वो भर चुकी है। और ये है मेरा प्यारा पाकिस्तान जिस पर मुझे मान है, जिस पर मुझे फख्र है, जिसमें मैं रिहाइश पजीर हूँ, जिस पर मुझे अपनी जान कुर्बान करने में कोई दरेग ना होगा। ये मेरा खूबसूरत पाकिस्तान है जिसके 76वें साल के लिए आज ग्रेटर इकबाल पार्क
पाकिस्तान लाहौर में एक खूबसूरत आतिशबाजी का सिलसिला जो है वो जारी है, और आप देख सकते हैं कि आसमान पर कितनी खूबसूरती के साथ आज 76वीं सालगिरह मनाई जा रही है। पाकिस्तान में रहने वाले जितने लोग हैं और ओवरसीज जितने पाकिस्तानी हैं, उन तमाम को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि आज पाकिस्तान को आज़ाद हुए हुए तकरीबन कि आज पाकिस्तान को आज़ाद हुए हुए हमें 76 साल हो चुके हैं और हम आज़ादी के साथ अपनी ज़िंदगी पाकिस्तान में गुजार रहे हैं, और आज़ादी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने के साथ साथ इज्जत और शान और शौकत के साथ अपने मुल्क पाकिस्तान की शान को दूसरे ममालिक में और दूसरे लोगों की नज़रों में बढ़ाते रहेंगे। इंशाल्लाह अल्लाह पाक मेरे मुल्क पाकिस्तान पर अपनी रहमत फरमाए, अल्लाह पाक मेरे मुल्क पाकिस्तान पर अपने तमाम तर रहमतों की बारिश करे। अल्लाह पाक इस तरीके से जिस तरीके से ये खूबसूरत फुलझड़ियाँ चल रही हैं, इसी तरीके से अल्लाह पाक हर नौजवान को, हर नौजवान लड़की को, हर नौजवान लड़के को कामयाबियों से नवाजता रहे, और इसी तरीके के साथ मेरा पाकिस्तान फूलता फलता रहे। अल्लाह करे कि ये मेरा पाकिस्तान हमेशा की तरह फूलता फलता और खूबसूरत और फ़ज़ाओं में हमेशा खुशबुएं पैदा करता हुआ नज़र आए मुझे। और जिस तरीके से आज पाकिस्तान की 76वीं सालगिरह मनाई जा रही है और 76वीं सालगिरह पर आज आतिशबाजी का मंजर पेश किया जा रहा है, अल्लाह करे कि हमेशा मेरे मुल्क पाकिस्तान में इसी तरह की खुशियाँ आती रहें, और अल्लाह करे मेरे मुल्क पाकिस्तान पर किसी दुश्मन की नज़र ना पड़े। अल्लाह करे दुश्मन पाकिस्तान की तरफ अपनी मैली आंख उठाए उससे पहले ही वो गर्क हो जाए। अल्लाह पाक अपनी ख़ास अनायत फरमाए पाकिस्तान पर, और अल्लाह पाक अपनी ख़ास अनायत फरमाने के साथ साथ अपनी तमाम तर रहमतें पाकिस्तान पे और पाकिस्तान के तमाम तर लोगों पर बरसाए। अल्लाह पाक हमेशा मेरे पाकिस्तान को खुश व खुर्रम रखे। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान की आवाम पुरजोश नीचे इस टाइम आतिशबाजी को देखने में मसरूफ़ है, और दूसरी साइड पर जिस तरीके से आपको बताया गया था कि पाकिस्तान के ग्रेटर इकबाल पार्क मीनार पाकिस्तान के सामने जो फ्लाईओवर है उसके ऊपर पिछली दफ़ा लोगों को इजाज़त थी, लोगों को आने दिया, लेकिन इस दफ़ा सिर्फ़ और सिर्फ मीडिया, पुलिस की गाड़ियाँ, रेस्क्यू और तमाम तर ऐसे जो अमले जो पाकिस्तान को पाकिस्तान की हफाजत फरमाते हैं उनको ऊपर आने दिया गया। आप चेक कर सकते हैं कि किस खूबसूरती के साथ, कितनी मोहब्बत के साथ, कितने प्यार के साथ इस आतिशबाजी को सजाया जा रहा है, और इस आतिशबाजी के साथ पाकिस्तान के नौजवान, बूढ़े, बुजुर्ग, औरतें, जवान, जितने भी हैं, जितने भी यहाँ पर लोग आ रहे हैं, वो तमाम तर इस टाइम इस आतिशबाजी को देखकर खुश हो रहे हैं और इस आतिशबाजी को इंजॉय कर रहे हैं। शुक्रिया अदा करता हूं उन तमाम लोगों का जिन्होंने एक छोटी सी खुशी को अरेंज किया और लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाने की कोशिश की। ये जो मंजर इस टाइम आप उर्दू पॉइंट की स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये मंजर है ग्रेटर इकबाल पार्क मीनार पाकिस्तान का, जहाँ पर मीनार पाकिस्तान वाक़िया है, और मीनार पाकिस्तान के साए में आज ये तमाम तर फुलझड़ियाँ जलाई जा रही हैं, आज ये तमाम तर अनार जलाए जा रहे हैं, आज ये तमाम तर आतिशबाजी का सिलसिला जो है वो जारी सारी है। पाकिस्तान में जितने भी रहने वाले शहरी हैं उन तमाम पर अल्लाह पाक अपनी रहमत फरमाए, उन तमाम पर अल्लाह पाक अपनी अल्लाह पाक अपनी बरकतें नाजिल फरमाए, और कितनी खूबसूरती के साथ, कितनी खूबसूरती के साथ आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आज मीनार पाकिस्तान में पाकिस्तान के शहरियों पर चेहरों पर, पाकिस्तानियों के शहरों शहरियों के चेहरों पर मुस्कराहटें बखेरने के लिए, पाकिस्तानियों को पाकिस्तानी होने का एहसास दिलाने के लिए, पाकिस्तानियों को पाकिस्तान पर फ़ख्र और नाज करने के लिए आज ये आतिशबाजी की तकरीब सजाई गई है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस खूबसूरती के साथ, किस खूबसूरती के साथ इस टाइम मीनार पाकिस्तान की जो फ़ज़ा है वो आतिशबाजी के साथ माला माल हो चुकी है, और इस टाइम आतिशबाजी के साथ बड़ी खूबसूरती का मंजर जो है वो पेश कर रही है। मुख्तलिफ किस्म की यहाँ पर मीडिया टीमें भी मौजूद हैं, ड्रोन्स हवा में उड़ रहे हैं और कैच कर रहे हैं इन तमाम खुशगवार मौके को, इन तमाम खुशगवार जो वक़्त है इस टाइम इस खुशगवार मौके को इस टाइम तमाम जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं अपने कैमरे की आंखों में बंद कर रहे हैं, और ये जितने भी लोग इस टाइम उर्दू पॉइंट की स्क्रीन पर देख रहे हैं
उन तमाम को एक दफा फिर मेरी तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से और पाकिस्तान में तमाम रहने वाले शहरियों की तरफ से बहुत 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 ज़्यादा मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप लोग पाकिस्तानी हैं। आपको फख्र होना चाहिए कि आप पाकिस्तान में एक पाक सर ज़मीन पर इस टाइम रिहाइश पजीर हैं, अपने बच्चों के साथ, अपने घर वालों के साथ, इस टाइम सुकून के साथ और बहुत ही ज़्यादा महफूज ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये मेरा प्यारा पाकिस्तान है जिसकी 76वीं सालगिरह के मौके पर आज आतिशबाजी का जो ये सिलसिला जारी है, आप यकीनन देखकर इससे महसूस हो रहे होंगे और इसको बहुत ज़्यादा इंजॉय भी कर रहे होंगे। आप देखें कि पाकिस्तान के जितने शहरी हैं वो इस टाइम उर्दू पॉइंट की स्क्रीन पर जो देख रहे हैं वो इस टाइम अपने अपने घरों में बैठकर महसूस हो रहे होंगे कि माशाल्लाह कितनी खूबसूरती के साथ 76वीं सालगिरह को मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ़ किस्म की यहाँ पर DSNGs, उसके अलावा रेस्क्यू टीमें, उसके अलावा पुलिस एहलकार और सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर मुख्तलिफ़ फोर्सेस जो है वो तैनात की गई हैं। और ये फिर आप एक दफ़ा अपनी स्क्रीन पर खूबसूरत मनाजर जो है वो देख सकते हैं कि किस तरीके से आज ये मनाजर सजाए गए हैं। ये तमाम तर मनाजर पाकिस्तान में रहने वाले शहरियों के चेहरों पर मुस्कराहटें बखेरने के लिए आज पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से सजाए गए हैं। उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने पाकिस्तान में रहने वाले तमाम शहरियों के चेहरों पर मुस्कराहटें बखेरने के लिए ये छोटी सी नहीं बल्कि बहुत बड़ी सी कह सकते हैं एक तकरीब को सर अंजाम दिया और मनक़द करवाया। अल्लाह पाक मेरे मुल्क पाकिस्तान के हाल पर रहम करे। हर नमाज के बाद अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ कीजिए। अल्लाह पाक इसको तमाम शर पसंद अनासर से दूर रखे। अल्लाह पाक इसको हर किस्म की मैली आँख से दूर रखे। अल्लाह पाक इस पर और इसमें रहने वाले तमाम शहरियों पर अल्लाह पाक अपनी रहमतों का नज़ूल फरमाए। और इस टाइम आप मनाजर देख सकते हैं कि मीनार पाकिस्तान ग्रेटर इकबाल पार्क में जिस तरीके से ये सारा समा बंधा हुआ है, एक मिनट के लिए इस तरह से लग रहा हो जैसे पाकिस्तान का आज योमे विलादत है और आज पाकिस्तान को आए हुए, पाकिस्तान को बने हुए आज दुनिया पर 76 साल हो चुके हैं। और आप ये खूबसूरत मनाजर आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरती के साथ आज आतशबाजी का सिलसिला जो है वो जारी है और कितनी खूबसूरती के साथ आज यहाँ पर ये एक समा बांध गया है। इस समा में पाकिस्तानी शहरियों को बहुत 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 मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्लाह पाक आप पर, आपके घर वालों पर और तमाम पाकिस्तानियों पर अपनी रहमतों का नज़ूल अता फरमाए। पाकिस्तान में जितने शहरी रहते हैं उन तमाम को आज फख्र महसूस हो रहा होगा कि पाकिस्तान में रहने वाले हम शहरी हैं और पाकिस्तान को वजूद में आए 76 साल हो चुके हैं। ये पाकिस्तान आम रूटीन में किसी पार्टी की तरह नहीं बना बल्कि ये पाकिस्तान कुर्बानियों के बाद मेरे, आपके और उन तमाम लोगों के, बड़ों की कुर्बानियों के साथ बना है जो लोग पाकिस्तान के साथ मोहब्बत करते हैं। पाकिस्तान को वजूद में लाने के लिए लोगों ने अपनी जानों के नजराने पेश किए। पाकिस्तान में वजूद को लाने के लिए लोगों ने शहादतें नोश फरमाई। पाकिस्तान की हफाजत के लिए इस टाइम जिस तरीके से पाक आर्मी और जिस सिक्योरिटी जितनी भी अदारे हैं वो पाकिस्तान की हफाजत के लिए अलर्ट हैं, उन तमाम को मेरा सलाम और उनको भी मेरी तरफ से पाकिस्तान का 76वां योमे वलादत, पाकिस्तान का 76वीं सालगिरह मुबारक हो और अल्लाह पाक सब पर अपनी रहमत फरमाए। पाकिस्तान आसानी से वजूद में आने वाला मुल्क नहीं बल्कि पाकिस्तान कुर्बानियां देकर, अपनी जानों के नजराने पेश करके, अपने बूढ़े बुजुर्गों का, लोगों ने खून पेश करके पाकिस्तान जैसा मुल्क हासिल किया। और मुझे फख्र है कि मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, पाकिस्तान में मेरी पैदाइश हुई, पाकिस्तान का मैं शहरी हूँ, पाकिस्तान का मैं एक ऐसा शहरी हूँ जो अपने पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए उर्दू पॉइंट के प्लेटफॉर्म से आप लोगों को ये तमाम तर मनाजर दिखा रहा हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।
मेरा जब तक सांस चलता रहेगा, मेरी जब तक आवाज़ चलती रहेगी, मेरी ये आवाज़ निकलती रहेगी कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से कितनी खूबसूरती के साथ इस टाइम फ़ज़ा बिल्कुल खुशगवार और आतशबाजी के साथ, ज़बरदस्त किस्म की आतशबाजी जो है वो स्टार्ट की जा चुकी है। और उन तमाम लोगों का एक दफ़ा मैं फिर शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने तमाम तर ये इवेंट को मुनक्किद करने में अपना एक एक अल्फाज भी इसमें ऐड किया। अल्लाह पाक मेरे मुल्क पाकिस्तान के हाल पर रहम फरमाए और मेरे मुल्क पाकिस्तान के दुश्मनों को निस्तो नाबूद फरमाए। अल्लाह पाक इस पाकिस्तान को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियां अता फरमाए। और इसी तरीके से हमेशा की तरह मैं अपने पाकिस्तान की नुमाइंदगी करता रहूं और पाकिस्तान के लिए बोलता रहूं और पाकिस्तान के तमाम तर पॉजिटिव जितनी भी चीज़ें हैं वो आप तक पहुंचाता रहूं। अल्लाह पाक मेरा और आप सबका हामी और नासिर हो और अल्लाह पाक से ये दुआ है कि पाकिस्तान में रहने वाले तमाम लोगों पर अपनी ख़ास रहमत फरमाए। आप देख सकते हैं कि ग्रेटर इकबाल पार्क में जिस तरीके से, जिस खूबसूरती से, जिस प्यार के साथ और जिस मोहब्बत के साथ पाकिस्तानियों के चेहरों पर मुस्कुराहट बखेरने के लिए ये समा बांधा गया है, ये आप अपनी स्क्रीन पर इस टाइम देख सकते हैं कि मीनार पाकिस्तान में तमाम तर लाइट्स बंद करके इस टाइम पाकिस्तान में आतशबाजी का सिलसिला जो है वो जारी है। पाकिस्तान की 76वीं सालगिरह के मौके पर, पाकिस्तान की 76वीं सालगिरह के मौके पर आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि पाकिस्तान की 76वीं सालगिरह के मौके पर किस कदर आवाम को खुश करने के लिए, आवाम की चेहरों पर मुस्कुराहट लाने के लिए इस टाइम मैं फ्लाईओवर पर मौजूद हूं और फ्लाईओवर पर सिर्फ और सिर्फ मीडिया अलाउ किया गया है। फ्लाईओवर पर पिछले साल की तरह इस दफ़ा आवाम को ऊपर नहीं आने दिया गया फ्लाईओवर के, और आवाम का एक जो रश है, आवाम का एक जो क्राउड है वो आपको मैं दिखाऊँ तो इस साइड पर आप चेक कर सकते हैं कि पाकिस्तानी आवाम, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले तमाम तर लोग, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले तमाम तर नौजवान, बुज़ुर्ग, शहरी, औरतें, बच्चे, बूढ़े, जवान तमाम तर नीचे मौजूद हैं और पाकिस्तान के साथ मोहब्बत जाहिर करने के लिए, पाकिस्तान के साथ प्यार जाहिर करने के लिए आज ग्रेटर इकबाल मीनार पाकिस्तान पहुँचे। और आज फिज़ा में इस कदर खूबसूरत हवा चल रही है कि एक ज़बरदस्त मनाजिर है। ये आप इस टाइम देख सकते हैं कि मीनार पाकिस्तान में आतशबाजी के बाद दोबारा से एक दफ़ा फिर लाइट्स ऑन कर दी गई हैं और लाइट्स ऑन करने के बाद लोगों का, पाकिस्तानियों का, पाकिस्तान के शहरियों का लहू गरमाने के लिए तराने जो है वो लगा दिए गए हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ आपको अपडेट कर रहा हूँ ग्रेटर इकबाल पार्क मीनार पाकिस्तान से। अल्लाह पाक मेरा और आपका हामी और नासिर हो। अपने मेज़बान जैन बाबू को दीजिए इजाज़त, देखते रहिए उर्दू पॉइंट। अल्लाह ने गवाह।